फ्रेंड्स की कितना बढ़िया सूरज निकला है यार। रोज निकलता है फ्रेंकली, भी आपके हिसाब से आज बहुत बढ़िया निकल गया ना। हाँ भाई, आज का गाइस मौसम पूरा कपड़े वपड़े धोने वाला मौसम है, तो हो जाए शुरू भाई साहब। अबे चल बे चल, मैं नहीं कपड़े धोऊंगा। अबे कल ये घर के काम करने चाहिए भाई साहब, बाद में भाई साहब जिंदगी में जब तेरी शादी हो जाएगी उसके बाद भी तेरे को ही करने पड़ेंगे बे। अबे मैं तो अब नहीं करता यार गाइस, यहाँ पर अभी तो यार मेरे पास लो सैंटोस की इतनी जिम्मेदारियाँ जो होती हैं। फ्रैंकली बस जिम्मेदारियों को छोड़ो यार, आज के यार यहाँ पर इतने अच्छे मौसम को देखकर मेरा मन तो गर्मियों की छुट्टियों वाला हो गया है। गर्मियों की छुट्टियों की बात कर रहा है भाई, सर्दी आने वाली हो गई भाई। अबे कल ये सर्दियों को मार गोली यार भाई साहब, उस प्लेन में बिठा यार। प्लेन में तो बैठे हुए हैं यार गाइस, प्लेन को जाने दो यार गाइस। देख सकते हो भाई, ये लोग भी लॉस सैंटोस से दूर कहीं घूमने जा रहे होंगे आज सुबह सुबह। सुबह सुबह की किसी की फ्लाइट है, कोई अपने ऑफिस में जा रहा है और हम तीनों अपनी छत पे खड़े होकर फीलिंग ले रहे हैं। चिंचन यही तो जिंदगी है भाई, यही तो गेम है। अबे भाई साहब तू गेम की बात छोड़ बे कल्लू, मुझे बस एक बात बता। क्या भाई बता, तेरे को क्या बोलूं। अरे जो अब तू छोड़ यार, यहाँ पर फैंकी भी आप मुझे बताओ यहाँ पर कब घुमाने लेकर जा रहे हो, आज यहाँ पर कहाँ घूमने जा रहे हैं। अबे भाई तेरे को यहाँ पर कहाँ घुमा दूं, आधी लॉस सैंटोस तू शिंचन घुमा हुआ है और क्या ही रह गया भाई। अबे अब इसको आकाश में घूमने है क्यों बे शिंचन। अरे यहाँ फ्रैंकली भी यार मुझे समुद्र में यार बहुत ज्यादा देर हो गई घूमे हुए, पर वहाँ पर यार इतना मजा नहीं आता क्योंकि मुझे डूबने का डर रहता है। पर यार यहाँ पर जो यार बादलों के अंदर घूमने में मजा है वो अलग ही है। देन फिर देन क्या करूँ भाई साहब, समझ ले फिर ये क्या कह रहा है तेरे को, क्या चाहिए इसको। फ्रैंकली भी चो बिल्कुल सही कह रहा है यार, हमें घूमने जाना चाहिए यार। चलो यार चलते हैं कहीं पे आप बादलों पे घूमने। अबे यार शिंचन जा यार, बादलों में घूम कर क्या करेगा भाई, मैं तो गाइस यहाँ पर तुझे आजा, मैं तेरे को लेकर चलूं भाई कुछ खिलाने पिलाने। अबे यार कलू है भाई साहब, खिलाने पिलाने, अबे भाई साहब घर पे खाना भी नहीं बनता गाइस, आपको पता है। अरे यार गाइस आप मुझे एक बात बताओ यार, आपके घर में कितने दिन यहाँ पर घर पे आप खाना खाते हैं और कितने दिन बाहर का। हम तो सातों दिन बाहर का खाते हैं भाई साहब, तभी ऐसे हैं। अबे यार चौप यार, अब देख भाई घर पे भी बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना। देख लो फ्रैंकली भाई, जब मम्मी बना दिया करती थी कितना ज्यादा सुकून होता था, अब जब अपने पे आ गई है अब यार देखो कैसे हो रहे हो। हाँ गाइस अपने आप पे करना मुश्किल है, खुद बनाकर खुद खाने में तो भाई मेरे को आलस आता है। अबे कलू है भाई, तू खुद बनाकर हमको तो खिला दिया कर, फिर अगर खुद को खिलाने में आलस आता है तेरे को। हाँ भाई साहब यहाँ पर सिर्फ तुम्हें खिलाता रहूं, मैं तो कुछ खाऊंगा ना। फ्रैंकलिन भैया यार हॉट एयर बैलून में ही घुमा दो यार। हॉट एयर बैलून, अबे बस कर भाई साहब, हॉट एयर बैलून कहाँ से तेरे दिमाग में आ गया। कल एक मूवी देख रहा था यार, उसमें था हॉट एयर बैलून, बड़ा मस्त लगा यार मेरे को। अबे चो भाई साहब इसको समझा लो, सैंटोस में हॉट एयर बैलून ही नहीं है। हाँ भाई साहब तूने कभी देखा है हॉट एयर बैलून, वो भी भाई साहब यहाँ पर तूने लॉस सैंटोस में। नहीं यार मैंने तो नहीं, पर फिर भी यार यहाँ पर यार होगा तो सही यार, हॉट एयर बैलून पक्की बात है होगा, बट गाइस हमने कभी देखा वेखा नहीं है इसको। अबे कलुए फर, फिर भाई साहब जो चीज देखी नहीं है उसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई वो हो नहीं सकती। एग्जैक्टली भाई गाइस, यहाँ पर शिंचन का कहना सही है भाई, हॉट एयर बैलून कैसा रहेगा भाई, बिकॉज गाइस इतने दिन हो गए भाई हमने कहीं पे घेड़ी वेड़ी भी नहीं लगाई, और गाइस यहाँ पर हॉट एयर बैलून में घूमने में कितना मजा आएगा यार। तो फ्रैंकली भैया क्या प्लान है, हॉट एयर बैलून को ढूंढने का सफर शुरू करोगे क्या। ना 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 भाई, इतना छोटा मोटा काम करने के लिए तो भाई एक ही जगह में चला जाता होता हूँ। मुझे पता है अब ये किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली लेस्टर के पास जाऊंगा। फ्रैंकली भैया अब लेस्टर के पास जाकर आप हॉट एयर बैलून उठाओगे यार। अबे उसके तो खुद के पास नहीं होगा भाई अगर लॉस सैंटोस में नहीं है, बट इतनी बात है गाइस जितना इंटरनेट पे वो रहता है वो हमें बता सकता है कि लॉस सैंटोस में हॉट एयर बैलून कहाँ मिल सकते हैं। अबे अगर मिल गए तो भाई साहब मजा आ जाएगा। भाई साहब बात तो सही है गाइस, यहाँ पर तो देरी किस बात की, अगर आपने गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा है तो वीडियो को लाइक मार देंगे, हम लोग चलते हैं जल्दी से। अरे लेस्टर के पास। बिल्कुल गाइस लेट्स गो। मैं तो आया हूँ लेस्टर अंकल के घर और अंकल ने दरवाजा नहीं खोला। खोल दिया भाई, अभी तो घर पे घुसने वाले हम। अबे कलो यू टर्न, ओ भाई साहब क्या गेड़ी मारता है भाई। अबे लेस्टर का घर भाई साहब तू हमेशा भूल जाता है, पर अब भाई साहब दो तीन दिन हो गए तेरे को याद रह रहा है उसका घर। हाँ भाई गाइस उसका घर ना इसीलिए याद है बिकॉज ना यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके मोहल्ले में जितने भी घर हैं किसी में भी भाई आप सभी लोगों को कोई भी यहाँ पर ऐसा साइन वाइन नहीं दिखेगा, और इसके अकेले के घर के बाहर पता है क्या लिखा हुआ है देखो। अबे इतनी बार इसने लगाया यू आर अंडर द भाई साहब कैमरा, यू आर अंडर द कैमरा, नो ट्रेसपासिंग, नो ट्रेसपासिंग, कैमरा हेड भाई इसको गाइस लगता है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा, बी अवेयर भाई, मतलब गाइस लेस्टर चाहता नहीं है भाई उसके घर कोई भी आए, पर हम फिर भी मुंह उठाकर आ जाते हैं क्योंकि दोस्तों दोस्त होते हैं। एंड गाइस बी अवेयर ऑफ डॉग भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पर लेस्टर के घर में एक कुत्ता तक नहीं है। अबे भाई साहब तू लेस्टर के पास आ रहा है उसका रोस्ट कर रहा है। लेस्टर मेरे भाई कैसा है भाई, घर पे है क्या, बाहर को आ जा यार। पूरे उसके घर के अंदर घुस के यार मुक्के मुक्के चार पांच मार कर पूछ रहे हो घर पे है या नहीं है कोई, यार यहाँ पर प्राइवेसी होती है। अबे भाई मुझे लगता है लेस्टर घर पे नहीं है। अरे यार तुम सबसे घर पे नहीं बैठा जाता क्या, दूसरे दिन मेरे घर पे आ जाते हो। ओ लेस्टर मेरा भाई कैसा है,
अरे मैं खुश नहीं हूँ यार भाई, तू दूर आकर यार 2 सेकंड के लिए बंदे को शांति दो भाई, बंदे को अकेले में भी टाइम स्पेंड करना होता है यार। अबे भाई अशरफ, तू दोस्तों के साथ ऐसा करेगा? चल यार चल, यहीं तक थी दोस्त। हाँ यार, इसी दोस्ती का इंतकाम दिया लेस्टर अंकल आपने, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जब आपको कभी जरूरत पड़ेगी। और क्या भाई लेस्टर, जा यार, तूने तो दिल ही तोड़ दिया। अरे यार, अरे फ्रैंकलिन यार, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था यार, बात तो सुन दो मेरी। अबे भाई क्या बात सुनू भाई, तूने तो दोस्ती की मिसाल दिखा दी। फालतू में इमोशनल होना बंद करो और भाई साहब जो काम की बात है वो करो जल्दी से। भाई साहब धूप में सड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। अरे यार चुप, कैसा है? बढ़िया भाई, और बता, बंटी तंग तो नहीं करता? अरे नहीं नहीं, तूने फोन करवा कर समझा दिया था ना, समझ गया वो। अभी अपन का तो जलवा है भाई साहब, कोई तेरे को भाई तगमंग करता है तो फोन लगा दियो। भाई साहब है अपने सारे भाई हैं अपने यहाँ पर, कोई भाई कोई मतलब तुझे मार वो नहीं सकता भाई, भाईचारा है सबके साथ अपना। एक तो गाइस ये चोप 24 घंटे भाई अपनी भाई बोलता रहता है भाई, मेरा ये है मेरा वे है। भाई तेरे से पूछा किसी ने? अबे भाई साहब कलुए देख बे, मेरे साथ भाई जुबान लड़ाने से पहले तुझे 2600 बार सोचना चाहिए। जितने मेरे पास बंदे है ना भाई साहब, मार मार कर भाई तेरा भेजा फ्राई कर देंगे। अरे यार तुम यार मेरी बात नहीं समझ रहे यार, तुम लोग लड़ना शुरू कर देते हो। लेस्टर अंकल यार, हॉट एयर बैलून में घूमना है यार, घुमा दो ना। अरे मारता हूँ मैं पाद, घूम लोगे हॉट एयर में? अबे इतना गंदा जोक लेस्टर, तेरे को भाई यहाँ पर मैं उड़ा दूंगा, सही में बता रहा हूँ। जल्दी बता भाई कहाँ मिलेगा सच में भाई। अरे लॉस सैंटोस में तुझे हॉट एयर बैलून मिलेगा ही नहीं यार। अबे भाई पर आज हमारा मन कर रहा है भाई उसमें घूमने का, तो तू भाई हमें कोई रास्ता तो दिखाएगा। तेरे पास आने का कोई फायदा तो होगा ना लेस्टर? होगा होगा लेस्टर, होगा ना अंकल, यार बताओ यार जल्दी से। अरे यार हॉट एयर बैलून यहाँ पर तो तुम्हें नहीं मिलेगा, पर हाँ मेरा दोस्त वोस्त है वो कुछ बता भी सकता है। वैसे कर फोन उसको। मतलब तुमने घूमने घूमना है उसमें? अबे हाँ भाई, तू सोच यार, हॉट एयर बैलून में आसमान में जाकर कितना मजा आएगा भाई। ऐसे तो गाइस प्लेन व्लेन में घूमते रहते हैं, बट बैलून का अपना भाई साहब यहाँ पर थोड़ा मजा होता है। अबे चल भाई साहब लेस्टर, तो बता दे यार अब। अरे रुक यार मुझे देखने दे। अब तू क्या देख रहा है भाई? अरे क्या उसका नंबर वंबर है भी मेरे पास? याद है वैसे मेरे को उसका नंबर, जल्दी कॉल कर भाई फिर उसको। हाँ कैसे राहुल? अबे भाई साहब राहुल है क्या तेरे दोस्त का नाम? अबे भाई साहब तू बैलून की बात कर, भाई साहब कल ये भाई को बात कह दे भाई कि यहाँ पर तैयार करवा दे। कर तो रहा है, अब इसका हाथ पकड़। अरे हाँ यार, वो एक्चुअली बात कुछ ऐसी है, मेरे एक भाई लोग हैं, उनको यार हॉट एयर बैलून चाहिए था घूमने के लिए, दे देगा क्या उनको तू? अबे भाई बता दे भाई इसको कि भाई हम कौन है भाई, मतलब मना मत करियो हमको, इसको बोल दे एक बार। अरे फ्रैंकली हर चीज गुंडागर्दी से नहीं होती यार, प्यार से भी कुछ काम हो जाते हैं। गुंडागर्दी करना मेरा काम नहीं, चोप का काम है। हाँ भाई साहब बोलो, अगर बातों से नहीं समझता तो रैपर से समझा देंगे। देखा भाई साहब। अरे यार चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उससे पूछ लेता हूँ। वैसे इतना काम तो तेरा कर ही देगा, वो अपना बढ़िया बंदा है, मतलब काम तगड़े वगड़े किया उसने जिंदगी में, तो ये भी इतना बड़ी बात नहीं है उसके लिए। चल करवाता हूँ फिर मैं। फिर तू ऐसा करना, अगर काम हो गया तेरे को कॉल करूंगा शाम को, बैलून ले आकर भाई मेरे यहाँ पर रख दियो। अच्छा अच्छा चल, लोकेशन बता दियो। ओके अबे हुआ क्या कुछ है? अरे फ्रैंकलिन यार तेरा काम हो गया बस। अबे हो गया क्या भाई साहब? हाँ काम तो हो गया, पर उसके लिए तुझे उसका भी काम करना पड़ेगा। अरे मुझे पता था इतना आसानी से हमें कुछ मिलने ही नहीं वाला, एक हाथ दो और एक हाथ लो, नहीं तो वीडियो कैसे लंबी होगी। अबे भाई साहब तू ज्यादा नहीं बोलता। अबे कलुए भाई जल्दी बता कौन सा काम है इसका भाई साहब। अबे यार गाइस क्या है भाई, मैंने सोचा था भाई यहाँ पर कोई काम तो हमें भाई आसानी से मिल रहा है कि भाई आराम से गाइस होटल बैलून में घूमेंगे, यहाँ पर इसको पाने के लिए भी हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, बट नो वरीज भाई कर। अरे यार सर पे लगा, और भाई साहब बम मैंने वहाँ फोड़ा है, सर पे तेरा यहाँ लग गया। अरे चल मेरी बात सुन। हाँ बोल। उसने बोला है कि अगर तेरे को हॉट एयर बैलून में घूमना है जो कि उसके पास है वो ले आएगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुझे एक यहाँ पर सामान है जो कि प्लेन में जा रहा है, तूने उसको चोरी करना है। हैं? हाँ। अबे भाई साहब पागल हो गया क्या? अरे यार वो उसका कुछ मतलब है, कोई डायमंड पैसा पता नहीं कुछ तो होगा डब्बे में, वो यार यहाँ पर प्लेन के जरिए दूसरे शहर जा रहा है, और तूने वो काम उसका कर रहे हैं कि उसके लिए भाई वो शिपमेंट लेकर आनी है। अबे अगर प्लेन में जा रहा है तो क्या मैं स्पाइडरमैन या फिर सुपरमैन दिखता हूँ तेरे को? अरे फ्रैंकली बात तो सही है यार, इतना छोटा यहाँ पर हमने बैलून मांगा, काम हमें बड़े बड़े मिल रहे हैं। अरे बैलून कौन सा छोटा है, बैलून भी तो बड़ा होता है। अबे यार क्या है, क्या चोरी करना है बता? अरे एक कार्गो प्लेन होगा, उसके अंदर कुछ कार्गो जा रहा है, तूने बस उस कार्गो को यहाँ पर हमें डिलीवर कर देना है, मैं उसको पकड़ा दूंगा। अबे यार क्या है यार, तो कार्गो प्लेन इस वक्त कहाँ है ये बता? इस वक्त वो होगा अपने एयरपोर्ट पे, और वो कह रहा है बस 5-10 मिनट में वो निकल जाएगा, तो तू ये थोड़ी सी तो जल्दी करनी पड़ेगी। अबे भाई साहब क्या है यार गाइस, यहाँ पर एक काम भाई यहाँ पर करवाना होता है 10 काम महंगे महंगे करने पड़ जाते हैं। अरे फ्रैंकली अगर 10 मिनट यहाँ पर अभी रुके हैं वो प्लेन टेक ऑफ में, तो यार हम तो 10 मिनट पहुँचते पहुँचते ही कर देंगे। और अगर प्लेन टेक ऑफ हो गया फिर तो वो कार्गो हमें मिलने नहीं वाला। और अगर भाई साहब हमें कार्गो ना मिला तो हमें भाई साहब हॉट एयर बैलून में नहीं घुमाएगा कोई, कल हुए भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता यार। अब ठीक है रुक तो भाई मैं कुछ करता हूँ। एक तो गाइस यहाँ पर इसको भाई यहाँ पर अपनी टेंशन पड़ जाती है पहले,
अबे चौप तो एक बार सोच तो सही भाई, कितना ज्यादा भाई बढ़िया होगा अगर हमारा भाई सारा काम ऐसे भाई बिना भाई किसी का कहीं काम किए हो जाता। अरे फ्रैंकली भाई ये रूल है यार, एक हाथ दो और एक हाथ लो यार, आप ऐसे तो कर ही नहीं सकते कि एक हाथ यहाँ पर लोगे तो एक हाथ आपको देना नहीं पड़ेगा। क्या है भाई जिंदगी के नियम कैसे है भाई ये। अबे कल ये नियम को मार गोली भाई साहब, इस वक्त भाई साहब यहाँ पर अगर प्लेन टेक ऑफ हो गया तो भाई साहब तेरे पिछवाड़े पे भाई साहब आग लगा कर तेरे को उड़ा दूंगा। अबे भाई जा तो रहा हूँ, अब क्या आग बना दूं, सुपर कार थोड़ी ना है ये। अरे फ्रैंकली जितनी स्पीड में भी चल सकते हो उतने में तो चलाओ यार, आप यार टाइम पे यार भगाते नहीं हो, वैसे तो गाड़ी फालतू में ही भगाते रहोगे और अब जब हमें जरूरत है यहाँ पर तब आपसे भगाई नहीं जा रही। अबे भगा रहा हूँ मेरे भाई, गाइस यार इसको भाई पता नहीं, अबे यार एक तो स्लिप वो करती है, इसको पता नहीं गाइस क्या दिक्कत है, जा तो रहा हूँ यार। अबे भाई साहब फिर भगा ले बस। हाँ भगा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर जल्दी से चलते हैं। गाइज यहाँ पर अब तो भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं मारा भाई अभी तो टाइम है लाइक करने का, कर दो भाई, बिकॉज यहाँ पर भाई जैसे तैसे कर गाइज हमें भाई हॉट एयर बैलून उठाना पड़ेगा। अरे जो कि भाई साहब हम उठा लेंगे। हाँ उठा तो लेंगे गाइज, उम्मीद तो मेरे को भी यही है, पर देखते हैं भाई क्या होता है, इतनी यहाँ पर फिगर की बात नहीं है। तो चलो गाइज जल्दी से चलते हैं, आप सब लोग वीडियो को जल्दी से लाइक मार दो, लेट्स गो। अरे ध्यान से देखो लेफ्ट लिखा हुआ यार, लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेफ्ट, तो गाइज इसका मतलब हमें लेफ्ट जाना है। अबे कलुए भाई बस आ गए एयरपोर्ट पे भाई, नीचे हो जाना। हाँ ये रास्ता में नीचे, अबे यार ये दोनों तो ऊपर लेकर जाते हैं, आई थिंक गाइज हमें ये वाले रास्ते से आना चाहिए था, ये सारे ओके वो वाली रोड है। अबे तेरे को रोड ही नहीं पता भाई साहब, कौन सी आने वाली है कौन सी जाने वाली है। अबे भाई साहब रुक ये वाला गाइस यहाँ पर रोड मुझे लगता है एयरपोर्ट के अंदर लेकर जाता है भाई, इतनी बार एयरपोर्ट पे आता हूँ भाई फिर भी बार बार भूल जाता हूँ। इससे आपकी यहाँ पर दिमाग की, यहाँ पर हमें पता ही लग रहा है कि आपकी दिमाग की जो नसें हैं वो कितनी कमजोर हैं। और क्या भाई साहब, कल याद तेरे को घंटा कुछ नहीं रहता, अपना नाम भी याद है तेरे को? सब याद है मेरे को, बकवास मत करा कर भाई, एक तो काम कर रहा हूँ ऊपर से मुझे बकवास कर रहे हैं भाई, मैं वापिस तो नहीं आ रहा गाइस, एयरपोर्ट तो यही गई है यार। अरे भाई साहब एयरपोर्ट के अंदर जाना है मेरे भाई। हाँ ये देख मेज बैंक एरिया की पार्किंग है ये, एंड एयरपोर्ट हमारा लेफ्ट की तरफ होगा, तो लेट्स गो सीधा अब लेफ्ट। सही में फ्रैंकली भी आपसे कोई काम नहीं होगा, पता नहीं कौन कौन से रास्ते से। अरे ये एयरपोर्ट का रास्ता किस हिसाब से है? अबे यही एयरपोर्ट का रास्ता, तो फिगर क्यों कर रहा है भाई, एक तो प्लेन आ भी गया। अबे भाई साहब कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। हाँ भाई गाइज यहाँ पर चलो, वैसे तो गाइज एयरपोर्ट की एंट्री आगे सीधी थी, हमने पता नहीं कहाँ से कर ली, बट नो वरीज भाई इतनी फिकर नहीं करने का, यहाँ से जंप लगाकर गाड़ी बाहर भगा देने का। वाह अबे वाह कर दिया भाई साहब काम तूने वही वाला। अबे यार गाइज यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर कैसे जाऊँ यार, जब फ्रैंकली भाई सीधे रास्ते बने हैं चीजों में जाने के लिए, आपको उल्टे रास्ते लेने में मजा आता है क्या? हाँ ये तो है शिनचैन भाई, मुझे मजा तो आता है भाई उल्टे रास्ते लेने में। देखो गाइज यहाँ पर जिंदगी में सभी रास्ते उल्टे लिए हैं भाई। हाँ भाई साहब अब जल्दी से अंदर चल भाई साहब, आधा घंटा तूने अंदर घुसते ही लगा दिया। बस तू फिगर ही छोड़ दे चौप, अब तो हम अंदर आ ही चुके हैं। अरे फ्रैंकली अब जल्दी से कार्गो प्लेन ढूंढो, कहाँ है? कार्गो प्लेन ही तो ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो सही भाई, यहीं कहीं होना चाहिए भाई जैसी बात हुई हमारी। फ्रैंकली बस थोड़ा सा ना गोल गोल घूम के देखो भाई, मिल ही जाएगा। अरे पीछे एक प्लेन तो जा भी रहा है, ये तो नहीं है अपना, ये तो नहीं होना चाहिए। अबे भाई साहब वो कार्गो प्लेन ही है भाई कलुए, ओए रोको इसको भैंस की। अबे कलुए तू बैठना भूल गया क्या? ओए रोको भाई, अबे यार गाइस क्या है भाई ये प्लेन तो जा चुका है यार। अरे फ्रैंकली अब तो यहाँ पर कार्गो नहीं मिलेगा और यहाँ पर ये अगले शहर में चला जाएगा और अब वो बंदा हमें अपना हॉट एयर बैलून में नहीं घुमाएगा, हमारा मिशन फेल हो गया है। नहीं हुआ भाई नहीं हुआ, अबे भैंस की कहाँ गया वो? अबे तू जितनी मर्जी कोशिश कर लू, ये कलुए भाई साहब वो नीचे आ रहा है। कहाँ है भाई, मेरे को तो दिख नहीं रहा। अरे नीचे नहीं आ रहा, ये कलुआ कर रहा है, यहाँ पर इसका मुंह अटक गया था। वो बातें छोड़ो भाई, ये प्लेन कहाँ गया, एक सेकंड के लिए प्लेन तो दिखाओ भाई। अरे फ्रैंकली उसने यूटर्न मारी है, वो जा रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अबे ये रहा भाई, अबे कलुए बाय बाय होगी वो तो। अबे यार गाइस नहीं 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 मैं इसको उठाकर छोड़ूंगा। अरे फ्रैंकली हॉट एयर बैलून में बैठना है तो इसका कुछ तो करना होगा। तू बस मुझे एक सेकंड दे भाई, मैं कुछ करता हूँ गाइस, यहाँ पर इस प्लेन को हाथों से नहीं जाने दूंगा मैं। फ्रैंकली उसके लिए तो हमें इसका पीछा करना पड़ेगा बहुत ही जबरदस्ती तरीके से। हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ भाई, इसकी ऐसी तैसी। ओ भाई साहब गाइस ये लैंड हो रहा है क्या? अबे वो जा रहा है भाई। कोई बात नहीं गाइस, हम इसका पीछे ही करेंगे, इसको कहीं पे जाने ही नहीं देंगे भाई। वो कौन सा कलुए तेरे से पूछ कर जाने वाला है भाई? अबे कौन सा पायलट है भाई, ये चला कैसे रहा है भाई, ये अभी तक आसमान में क्यों नहीं लेकर गया इसको? लगता है उसको हम दिख चुके हैं इसलिए वो हमारे लिए यार यहाँ पर आसानी कर रहा है। कोई हमारे लिए आसानी नहीं कर रहा भाई, वो जा रहा है। अबे कलुए भाई तू करने क्या सोच रहा है भाई फिर? गाइस मैं करने ही क्या सोच रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ भाई, ये प्लेन सीधा जा रहे हैं ना, हम एक ऊंची बिल्डिंग पे हमें जाना पड़ेगा, इनके ऊंची बिल्डिंग पे जाने के बाद। अबे भाई साहब ओहो कलुए प्लेन में सीधा एंट्री करेगा क्या? ना 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 भाई,
गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा मैं आप सब लोगों को समझाता हूँ एक बार। भाई साहब ये स्लो मोशन गाइज यहाँ पर बड़ा मस्त लगता है जब मैं स्टंट मारता हूँ। क्या घंटे का स्टंट मारा यार फ्रैंकली भी आपने। गाइज मुझे किसी ऊंची बिल्डिंग में जाना है बस। और आपको पक्का पता है वो प्लेन उस बिल्डिंग में आएगा? अबे शिनचैन तू फिकर मत कर, वो सीधा जा रहे हैं ना भाई सामने जो बिल्डिंग है ना भाई उसी बिल्डिंग पे चलते हैं। अबे भाई जब तक तू बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेगा ना वो प्लेन गायब हो जाएगा कलुए। अबे भाई तू रो क्यों रहा है भाई, मैं तेरे को दिखाता हूँ ना क्या गायब होगा क्या नहीं गायब होगा भैंस की, तू फिकर मत कर। अरे फ्रैंकली भाई फिकर तो करने की जरूरत ही नहीं है यार, फिकर तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं करी। गाइस हम लोगों को ना फास्ट फास्ट गाइस एक बिल्डिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। देखो अगर गाइस वो सीधा जा रहा है वो शहर से होकर जाएगा। एंड जो मैं आप सब लोगों को सबसे बड़ी बात बताता हूँ भाई, शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है स्टार बिल्डिंग। अबे वो मेज बैंक बिल्डिंग है भाई स्टार बिल्डिंग, अबे उसमें स्टार लगा हुआ है। अबे तेरी ऐसी तैसी, अबे वाह 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 कर ली स्टंट मारने की कोशिश भाई साहब, पता लग गया अपना भाई साहब। अरे नीचे कबूतर, अरे नहीं कबूतर नहीं है ये तो कैन है। वाह भाई वाह सभी अंधे हुए पड़े हैं गाइस यहाँ पर। अबे यार गाइस ये मैं कहाँ से जा रहा हूँ। अबे अगर रास्ता नहीं पता होता तो सीधा ले लिया जाता है भाई साहब कलुए। क्या ले लिया जाता है, ले लिया जाता है बोलना। एक तो गाइस यहाँ पर सभी तोतले हुए रखे हैं और भाई ये गाड़ी से धुआं क्यों निकल रहा है? अरे आपका प्लेन फ्रैंकली भाई निकल जाएगा जब तक आप टाइम लगाओगे। और तुम लोग फिकर मत करो भाई, मैं तुम लोगों को लेकर जा रहा हूँ ना, जब तक मेरे हाथ तुम्हारे सर पे है ना तुम्हारे सर पे किसी और का हाथ नहीं हो सकता। अरे भाई साहब फालतू की बातें मत बोलो और निकल जल्दी से। ओ भाई साहब चलो गाइस यहाँ पर अब एक बार हाईवे में आ गए ना, आप देखना अब क्या कर कर दिखाओगे। अब तो मेरा ही जलवा होगा। अबे तू भाई साहब कलवा है तेरा, कोई जलवा नहीं है। अबे तेरे से किसने पूछा क्या किसका जलवा है किसका नहीं भाई, मैं तेरे को दिखाता हूँ भाई अभी जाकर। गाइस यहाँ पर सामने बिल्डिंग है और मेरे हिसाब से भाई वो प्लेन इतना स्लो तो था कि भाई हम उससे अब आगे आ चुके हैं। अबे ये तो तेरा हिसाब है भाई साहब, जब तू बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाएगा तेरे को पता लगेगा कि भाई साहब घंटा कुछ नहीं हुआ। अबे भाई तू ना चुप कर जा ठीक है ना भाई, एक सेकंड के लिए दिमाग यहाँ पर अपना मुझे लगाने दे। अरे वाह पे दिमाग भी है फ्रैंकली भैया, वाह सुनकर अच्छा लगा। सच में बता रहा हूँ जितनी बकवासें करते हैं ना उस हिसाब से भाई मैं इनका सर फोड़ सकता हूँ, बट कोई बात नहीं कुछ कहूंगा नहीं, जल्दी से यू टर्न मारूंगा और गाइस यहाँ पर बिल्डिंग के पास जाऊंगा। अरे फ्रैंकली भैया ये बताओ वहाँ पर जाकर आपको मिलेगा क्या, क्या पता प्लेन कहीं और ही टर्न मार गया और आपको पता भी ना हो। ये तो तुम लोगों की भाई मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई, तुम अकल ही नहीं है, तुम लोग से तो मैं रहते ही नहीं थे। अबे अब तो रहते हैं ना। अब रहते हो पहले ही रहते, तुम्हें पता नहीं है भाई, मुझे सब पता है भाई कौन सा प्लेन गाइस किस बिल्डिंग से ऊपर से होकर जाएगा किस एरिया में जाएगा। मैं गाइस अब निकलूंगा एंड भाई जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर जाऊंगा। अरे मेज बैग बिल्डिंग तो बड़ी पास लग रही है पर मेरे को प्लेन बड़ा दूर लग रहा है फ्रैंकली भी अभी भी हमसे। ऐसा तो है ही नहीं भाई, यहाँ पर मुझे ये रोकना है, जाना है, निकलना है। अबे कलुए हम भी आ रहे हैं भाई, हम भी देखें भाई साहब तेरा क्या ही जलवा है यहाँ पे। अरे हम तो आ गए फ्रैंकली भैया, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और गाइस मुझे प्लेन भाई साहब दिख रहा है गाइस और वो सामने से आ रहा है। फ्रैंकली मुझे ये बताओ आपको किसने कहा कि ये प्लेन आपके पास आ जाएगा और आप इसका सारा सामान उठा लोगे? तो मेरा प्लान समझने की कोशिश कर शिनचैन, इसको आने देख बार फिर समझाता हूँ। गाइस बहुत पास आ चुका है प्लेन हमारे एंड गाइस आप देखना। मुझे लग तो रहा है फ्रैंकली भी आप कुछ करोगे जिस हिसाब से किधर और ही जा रहा है। बिल्डिंग पे लैंड नहीं करेगा वो ऊपर हो जाएगा, बट गाइस आप देखना मेरा प्लान। ओ भाई साहब कलुए नीचे से बिल्कुल सोच है भाई साहब मेरी की भाई यहाँ पर तू कुछ कर देगा तो मैं तेरे नीचे खड़े होकर तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ। बस तू सपोर्ट ही रख और अब देखियो। अरे ये आपकी प्लानिंग क्या है यार, क्या आपकी प्लानिंग इसको फोड़ने की है यार फ्रैंकली भैया? प्लानिंग तो शिनचैन मेरी इसको फोड़ने की ही है, बट ऐसे नहीं फोड़ूंगा इसको, ऐसे फोड़ूंगा। अबे भाई साहब करवा ली बेइज्जती भाई। अरे ठीक ठीक ठीक, क्या गंदा है मैं फ्रैंकली भैया, मुझे लगता है आपको यहाँ पर गन चेंज करनी चाहिए। अबे यार गाइस एक तो ये प्लेन कैसे आया भाई साहब, फटता ही नहीं है, अब देखना भाई कहाँ गई वो होमलिंग लॉन्च। अबे मैं होमिंग लॉन्चर ही उठा रहा हूँ यदि गाइस, अब देखना भाई ये ले। अबे भाई साहब फट जा यार। अबे कलुए तेरे सभी प्लान चौपट हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ भाई साहब छोड़ यार यहाँ पर कुछ नहीं होगा तेरे से। होगा भाई ऐसे कैसे नहीं होगा। ओ ओ, ओ लगा लगा लगा, अबे लग नहीं रहा भाई। आपको तो बड़ा आसान लग रहा था ना, अब कर कर दिखाओ फ्रैंकली भैया मैं भी देखूं। फिकर मत कर भाई, अब नहीं छोड़ूंगा, इसकी पूंछ को आग लगा दूंगा। फट जा भाई, ओए फट जा, अबे फट जा भाई किसी तरीके से तो फट जा भाई, सच में गाइस ये तो फटने का नाम नहीं ले रहा, फट जा भाई फट। ओ भाई भाई उल्टा हो गया, उल्टा हो गया भाई, मैंने गाइस कुछ तो किया है भाई जिसके कारण ये उल्टा ही घूम रहा है, अब गया। अबे फटना तो उसको था भी नहीं गाइस, यहाँ पर अब देखो भाई कैसे झूल रहा है। आई थिंक गाइस मैंने उसका कोई सिस्टम तो खराब कर दिया है भाई। अबे कलुए वो नीचे आ गया भाई, भाई आ रहा है। अबे कलुए बहुत तेजी से नीचे आ रहा है भाई, मैं चला शिनचैन। अरे फ्रैंकली भैया क्या आप इसको फोड़ कर अब खुद ही इसको बचाने चले हो? अरे थोड़ा आराम से जाओ ना फ्रैंकली भैया। गाइस यहाँ पर भाई सामान तो गाइस यहाँ पर नहीं फटा होगा भाई, अगर कार्गो है भाई तो गाइस यहाँ पर अब सीधा जाकर सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढना भाई जहाँ पर एक क्रैश हुआ है। कलुए भाई तेरे दिमाग की दाल देनी पड़ेगी, दाल नहीं होती भाई वो। गाइस चलो चलते हैं जल्दी से, बस गाइस यहाँ पर प्लेन के ऊपर लैंड कर दूँ एक बार पैराशूट लेकर। अब देखना भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस यहाँ पर मेरा दिमाग क्या मैंने काम करवाया। जिस हिसाब से आप जा रहे हो फ्रैंकली भैया मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बंदा सुबह उठकर चादर लेकर नहीं जाता, आप मुझे तो ऐसा लग रहा है। पैराशूट को चादर बोल रहा है भाई ये गाइस, इसको भाई पता नहीं कब आकल आएगी। बट प्लेन तो यहीं कहीं फटा था बट मेरे को दिख नहीं रहा यार,
अबे कलुए तूने तो कर दिया भाई, कांड अब नहीं दिखेगा। दिखेगा भाई, तू चुप कर जा, यहीं कहीं फटा है ना गाइस। आई नो भाई यहीं कहीं फटा है, तो यहीं कहीं होना चाहिए भाई। उसका सामान वामान भाई कहाँ फटा है? अबे तेरी की, उसका तो पता नहीं, तू यहाँ जरूर फटने वाला है। अबे नहीं नहीं ये देखो गाइस यहीं कहीं होगा। आपको प्लेन व्लेन मिलने की उम्मीद है क्या फ्रैंकली भाई, ये बता दो मेरे को। सामने देखो भाई, अगर तुम लोगों को लगता है ना भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सामने देखो भाई। अब एक कलुए तू जल्दी जा भाई साहब, सामान ढूंढ अपना। ओ गाइस प्लेन ट्रेन के आगे आ चुका है भाई, वो देखो। ओ माई गॉड भाई, अबे ट्रेन को भी फर्क ही नहीं पड़ा भाई, ऐसी निकल गई। अबे रुक रुक मैं आ गया भाई, प्लेन कागज के जैसा हल्का क्यों लग रहा है? हेयर वी गो। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है? ओ भाई प्लेन को गाइस उठाकर मारा ट्रेन ने सड़क पे, बट मुझे इतना जरूर पता है प्लेन यहाँ पर गिरा था भाई, सामान कहाँ है इसका? फ्रैंकली भी आपने काम तो बढ़िया कर दिया, पर मेरे को उम्मीद नहीं है कि आपको भी सामान वान मिलने वाला है। अरे कितना सामान है यहाँ पर, तो बहुत छोटे छोटे डब्बे गिरे हुए हैं भाई, कौन सा है यार? इस लेसर से पूछना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पर डब्बे का तो मेरे को नहीं पता ना भाई, इतने सारे डब्बों में से वो डब्बा कौन सा है जो इसको चाहिए। ओ हेलो भाई। अरे यार खाने भी नहीं देता यार तू। ओ भाई साहब यहाँ पर तेरा मिशन कर रहा हूँ भाई, तेरे को शर्म वरम नहीं आती? अरे यार कहाँ है बता भाई, क्या हुआ? अबे भाई डब्बे मिल गए, बता कौन सा डब्बा है? अरे मेरे को क्या पता, डब्बे वाला डब्बा है। अबे यार कुछ लिखा होगा, कुछ तो होगा। अरे हैंडल विद केयर लिखा होगा भाई, वो डब्बा बहुत ज्यादा केयर के साथ हैंडल करने वाला है। ओ अच्छा, अरे भाई मैंने तो बहुत केयर से हैंडल किया उसको। अच्छा क्या, कहाँ है फिर, ढूंढ उसको। हाँ ढूंढता हूँ एक सेकंड रुको भाई। हैंडल विद केयर, ओ यही तो है ना हैंडल विद केयर यार गाइस, ये देखो हैंडल विद केयर भाई उल्टा पड़ा है, चलो सीधा कर दिया। ओ भाई साहब लोक भी है, तो चलो भाई इसको लेकर चलते हैं भाई अब जल्दी से गाइस, काम हो चुका है हमारा, लेस्टर को इसको देते हैं। अरे वाह फ्रैंकली भी आपने मेरे को प्रसन्न कर दिया ये काम कर। अरे डब्बा भी आ गया, और यार ये गाड़ी का हाल तो देखो फ्रैंकली भी, शर्म वरम आती है क्या ऐसे हाल को देखकर। ओ भाई गाड़ी को कुछ मत बोल भाई साहब, सच में गाइस टायर देखो इसके। अबे कलुए चल चल रोते नहीं है भाई साहब, हमने काम कर दिया। हमने? अबे मैंने किया है। अबे बस हमने भाई पीछे से तेरे को सपोर्ट की, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता कलुए, तेरे जब तेरे को पता है तेरे पीछे चौप खड़ा है तभी तू बिना डरे काम करता है। हाँ हाँ ठीक है बकवास गई जितनी मर्जी करवा लो। चलो गाइस अब इसको लेस्टर के घर पे डिलीवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई जो हमारा काम होगा वो गाइस कैसा होने वाला है। आपका कहने का मतलब क्या है? यही कि भाई अगर एक बार गाइस इसको मैं एक बार यहाँ पर डिलीवर कर दूंगा, उसके बाद भाई हमें होटल बेल में घूमने को मिलता या नहीं, तो लेट्स गो चलते हैं। किस्मत तो लेस्टर अंकल की है यार, बैठे बैठे इतना बड़ा काम हमसे करवा लिया और खुद को यहाँ पर आना भी नहीं पड़ा। वही है भाई, ये लेस्टर है ना भाई, लेस्टर गाइस कुछ भी कर सकता है। कहाँ गया इसका घर? अबे तू भाई साहब फिर भूल गया? नहीं नहीं यही है। ओ भाई तो अभी तक यहीं खड़ा है? अरे यार मैं फिर आकर खड़ा हो गया, ये ले अपना डब्बा, ये पकड़। अरे फ्रैंकलिन यार लगता है अब तेरा काम हो जाएगा। लगता है? ओ भाई मेरा काम होना चाहिए अब। अरे अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपको अभी लगता ही है तो यार फ्रैंकलिन खोपड़ी तोड़ो यार इनकी जाके। नहीं नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा यार, नहीं करेगा। अरे करूंगा यार। अरे चल फ्रैंकलिन यार फिर मैं उसको कॉल कर देता हूँ, शाम को पहुंच जाइयो। अरे इनको बता दो यार यहाँ पर शाम को हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर इन्होंने बुलाया। अरे क्या बोलना है यार, समझाओ यार इसको। हाँ अबे ये कहने का क्या कोशिश कर रहा है कि भाई तू भाई पाता चौप तू बोल, मैं लड़खड़ा रहा हूँ। अबे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब भी भाई शाम को सामान आ जाए हमको कॉल कर दियो। हाँ बिल्कुल। अरे हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, कर दूंगा, थैंक यू फिर। ओके ब्रो काम तेरा हो चुका है भाई, मेरी तो गाइस ऐसी तैसी होगी। अब गाड़ी वाड़ी रिपेयर करवाते हैं और चलते हैं गाइस घर को। अब तो सीधा शाम को गाइस यहाँ पर अपने होटल बैलून में मिलेंगे आपको भाई साहब। बिल्कुल गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो गाइस यहाँ पर घर चलते हैं। तो यार गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है एक सुहावनी शाम में। गाइस यहाँ पर भाई शाम हो चुकी है, गाइस हमने भाई अपनी गाड़ी वाड़ी ठीक करवा ली थी, बाकी हम लोग गाइस निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ बिकॉज। अबे भैंस क्या है यार, अबे भाई साइड में जाकर करो ये काम अगर करनी है भाई तुम्हारी ऐसी तैसी। गाइज मैं ये कह रहा था भाई कि यहाँ पर गाइज हमारा जो होट एयर बैलून है वो एयरपोर्ट में आने वाला है जैसे ही गाइज हमें लेस्टर ने कहा, तो वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। अबे चल भाई साहब फिर। चलो गाइज बैठो फिर, गाइज अब मजा आएगा ना भाई होट एयर बैलून में घूमने का यार। अरे मैं तो वीडियो के स्टार्टिंग का ही बोल रहा हूँ, अरे अब आएगा ना मजा, चलो चलते हैं यार, सपना पूरा होगा। चलो गाइस देखा जाएगा भाई कैसा होता है होट एयर बैलून, तो लेट्स गो। अरे वाह एयरपोर्ट पे तो आ चुके हैं। अरे सामने क्या है गाइस? अबे भाई साहब हमारी भाई मेहनत रंग तो ला दिया कलुए। गाइस यहाँ पर होट एयर बैलून भाई साहब कितना बड़ा है भाई, एक सेकंड के लिए देखो तो इसको। अरे फ्रैंकलिन भाई कैसे कैसा कैसा है फिर? अबे भाई बढ़िया भाई, तेरा बंदा कहाँ है जिसका ये है? अरे यार वो तो अपने घर पे डब्बा खोलकर पैसे वैसे कमा रहा है। ऐसा क्या था उस डब्बे में? अरे वो तो तेरे को किस दिन बता दूंगा, तो अभी होट एयर बैलून के मजे ले। गाइस यहाँ पर ये है हमारा होट एयर बैलून, एंड एज यू कैन सी भाई यहाँ पर देखने में गाइस यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा है ये। अबे घूमने में कैसा लगेगा ये बता? ये तो इसमें बैठ कर पता लगेगा, तो गाइस चलो इसमें बैठते हैं जल्दी से। लेस्टर तू भी आ रहा है क्या? अरे आऊंगा भाई, मैंने भी तो मेहनत करी है।
घंटा कुछ नहीं करा भाई तूने, सारी मेहनत मेरी थी भाई। प्लेन को गाइस मारा मैंने, सामान मैंने उठाया, अबे इसके अंदर क्यों नहीं घुस पा रहा मैं, ओ घुस गया। चलो आ जाओ भाई सभी लोग जल्दी से, चार बजे तो बैठ ही जाएंगे। तो यार फ्रैंकली भाई क्या आप इसकी उड़ान भर रहे हो? उड़ान कैसे भरते हैं इसकी, ऑन करना होता है। अरे हाँ इसको ऑन कर। ओ भाई साहब गाइस पहली बार हॉट एयर बैलून चलाने जा रहा हूँ भाई, पता नहीं कैसा होगा अंदर से। गाइस आप सभी लोग इसको देख सकते हो भाई, इसमें पता नहीं भाई हॉट एयर भाई मतलब गर्म हवाई भरती होगी। अरे भाई साहब अकल तो तेरे को बहुत है। अबे भाई साहब कैमरा कहाँ जा रहा है अपना? गाइस यार हॉट एयर बैलून में शूट कभी नहीं करी वीडियो, तो चलो भाई जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वो होता होगा मुझे लगता है कंट्रोल सारा, तो चलो भाई उड़ाता हूँ इसको ऑन करके। अरे भाई साहब इसको जाने दे बस, तू जाने तो दे रहा हूँ भाई, अभी तक तो जा नहीं रहा भाई। लगता है गाइस यहाँ पर हवा भर रही। ओ एक सेकंड ओ उड़ने लग गया भाई। जा रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं। चलो गाइस चलो भाई हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देख सकते हो भाई आग निकल रही है भाई नीचे से, अगर आप सब लोग ध्यान से देख पाओ। एंड हमारा हॉट एयर बैलून गाइस यहाँ पर ऊपर जाता जा रहा है भाई। और शाम का समय भाई, सूरज ढलते ढलते हम लोग गाइस ऊपर पहुंच जाएंगे। अबे हम तो पहुंच ही गए समझ ले। ओ माय गॉड लेस्टर कैसा लग रहा है? अरे यार जो आगे आग चल रही है ना ऊपर, अरे वाह फीलिंग दे रही है भाई। ऊपर से गाइस हम है भी भाई पानी के कितना पास, और गाइस क्या शाम को जो पानी लगता है, ओ माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है भाई। गाइस हम तो भाई बहुत ऊपर जा रहे हैं, मतलब गाइस स्लो स्लो ऊपर जाता है, बट गाइस यहां पर मजा तो फुल आ रहा है भाई जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है। अरे बस फ्रैंकली भाई किसी के ऊपर जाने पे यार सबको यहां पर ऐसा ही मजा आना चाहिए, फिर जेलसी खत्म हो जाएगी। क्या डीप बातें करता है शिनचंदु कभी। गाइस हमारा हॉट एयर बैलून उड़ान भर चुका है, आप सभी लोग का भी हॉट एयर बैलून उड़ान भर देगा जल्दी। आप सभी लोग अगर वीडियो को लाइक मार दोगे भाई, यहां पर गाइस इसमें तो पिकनिक मनाई जा सकती है भाई रात की। अरे भाई अगर हवा तेज होगी ना तो गया काम से। अबे ना हवा तेज कैसे करवा देंगे भाई, ऐसे कैसे हवा तेज हो जाएगी भाई। हम लोग गाइस यहाँ पर ऊपर जाते जाएंगे, एंड हवा तो गाइस हम तेज होने नहीं देंगे, तो चलो भाई लेट्स गो भाई। और ऊपर तो गाइस बहुत जाएगा ये। अबे ये तो आसमान भाई, बादलों के ऊपर ले जाओ चाहे इसको। एग्जैक्टली भाई जितना मर्जी ऊपर ले जाओ। अरे फ्रैंकली भाई मैं तो कहता हूँ यार अगली वीडियो में हम यहाँ पर पिकनिक करेंगे इसके ऊपर बैठ के। भाई हॉट एयर बैलून में पिकनिक भाई? अरे मजा आएगा, मैं भी आऊंगा यार। हाँ तू तो घर पे कंप्यूटर चलाया कर बस बैठ के। अरे यार मैंने अब देखा यार दुनिया कंप्यूटर के बाहर भी है यार। अबे भाई साहब दुनिया तो बाहर ही है सारी की सारी, तेरी वो अंदर है भाई, पर जिसकी दुनिया जाए उसको वहीं पे मजा आता है। अबे तू आसमान में जाकर बातें भी आसमान वाली मत कर बे। गाइस यहाँ पर भाई हम लोग ऊपर आ चुके हैं हॉट एयर बैलून लेकर, एंड आज भाई साहब मजा तो हमको पूरा आया। अगर आप सभी लोगों को हमारे साथ गाइस मजा आया आज की वीडियो में, तो गाइस यहाँ पर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप सब लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो गाइस कमेंट डाउन बिलो। बाकी अगर आप सब लोग चाहते हो यहाँ पर हम और किसी चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आए तो वो भी बता दो। बाकी हम लोग मिलते हैं गाइस यहाँ पर आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, या फिर अपनी कोई नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसका टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अरे बिल्कुल यार गाइस जो टॉपिक आप बताओगे उसी पे वीडियो बनेगी, फिक्र मत करो। बिल्कुल गाइस तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। बे भाई साहब टाटा भी।